हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इटली स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड फाइव इंपॉर्टेंट एफएक्यूज जो स्टूडेंट्स मुझसे जनरली पूछते हैं। सो द फर्स्ट वन इज ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, 3 months, 6 months या फिर 1 year। वेल, एम्बेसी की मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करें तो इट इज ऑफ 3 months, क्योंकि इनका ऐसा बिलीव होता है कि आप जो है इस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर आओगे एंड देन उसके बाद जैसे ही इटली लैंड होते हो उसके बाद आप जो है इटालियन हेल्थ इंश्योरेंस ले लोगे। बट मुंबई कॉन्सुलेट की रिक्वायरमेंट है कि इनको चाहिए ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस फॉर 6 months, और जनरल लेवल पे मैं जो रेकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को वो करता हूँ 1 year का। वो इसलिए दोस्तों ताकि जब आप इटली आएंगे और यहाँ पर रेसिडेंस परमिट की एप्लीकेशन करेंगे तो जो है दोस्तों आप जो है इसी हेल्थ इंश्योरेंस के बेस पर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप 3 months या 6 months का लोगे तो आपको एडिशनल इटालियन हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। एंड हेल्थ इंश्योरेंस जो है दोस्तों ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस अराउंड मिनिमम $30,000 का होना चाहिए विथ रेपरेशन क्लॉज। ये रेपरेशन क्लॉज होता है जिसमें आप जो है अगर इटली में कुछ हो जाता है आपको सीरियस डिसीज और आपको इंडिया में आकर ही उसका जो है क्योर करना है तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस आते हैं वो भी इस इंश्योरेंस में कवरेज होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, क्या हम स्कॉलरशिप एप्लीकेशन शो कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ वीजा फंड्स? जब स्कॉलरशिप मिलती है तो फिर वीजा फंड्स क्यों दिखाने पड़ते हैं? वेल, उसके पीछे भी एक रीजन है दोस्तों। उसके पीछे रीजन ये कि स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन जो है ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स करते हैं बट अप्रूवल सबका नहीं आता है, रिजल्ट जो है सब विनर नहीं होते, तो उसी के कारण दोस्तों जो है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन नहीं शो कर सकते। अगर हाँ आपका वीजा अप्लाई करने से पहले रिजल्ट आ जाते हैं स्कॉलरशिप के तो वो अप्रूवल जो है आप जरूर शो कर सकते हो। फिर उस केस में आपको चाहिए फंड्स का जो सिस्टम है वो नहीं शो करना पड़ेगा। बट जनरली जो है हम वीजा है अक्टूबर तक अप्लाई कर लेते हैं और रिजल्ट जो है स्कॉलरशिप के वो अक्टूबर तक आते हैं। इसीलिए कॉन्सुलेट्स की चेकलिस्ट में मेंशन होता है कि स्कॉलरशिप एप्लीकेशन नहीं शो करना है, अगर अप्रूवल है तो आप जो है वो शो कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यार दोस्तों दिल्ली की लिस्ट में लिखा हुआ है चेकलिस्ट में कि यार हमें जो है 2-way flight शो करनी है, राउंड ट्रिप फ्लाइट शो करनी है, और क्यों करनी होती है? वेल, जनरली जो है किसी भी आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो आपको फ्लाइट्स तो शो करनी पड़ती है। जनरली शॉर्ट टर्म कोर्सेस या फिर टूरिस्ट वीजा के जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें जो है 2-way flight टिकट शो करनी पड़ती है कि यहाँ से जाने की भी शो कर रहे हो इटली तक और इटली से आने की भी। बट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कोर्सेज जैसे कि हम मास्टर्स प्रोग्राम या फिर बैचलर प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो है आपको 1-way टिकट ही शो करनी, वो लिखा हुआ है बट इवेंचुअली आपको जो है 1-way टिकट ही शो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट दोस्तों, क्या हम FD के फंड शो कर सकते हैं? हमारे पापा मम्मी की FD है और वो शो करी जा सकती है। वेल, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है कि जो इनके 6,000 यूरो की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो लिक्विड फंड्स होने चाहिए सो दैट यू कैन विड्रॉ इट एनी टाइम वेन एवर यू आर रिक्वायर्ड। बट फिक्स डिपॉजिट में भी विड्रॉ कर सकते हैं ब्रेक करके, बट ये ऐसा मानते नहीं। तो इस केस में क्या होना है कि आपको जो 6,000 यूरो का अमाउंट है वो तो लिक्विड शो करना है बट इसके एडिशनल आप जो है जितने भी आपके एसेट्स FD ले लो, अदर सिक्योरिटीज ले लो, वो सारे शो कर सकते हो बट एडिशनल, ना कि बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम एजुकेशन लोन या अदर लोन्स जो है शो कर सकते हैं? वेल, एजुकेशन लोन या अदर लोन्स भी शो कर सकते हो बट एजुकेशन लोन के केस में एक चीज ये है कि एजुकेशन लोन जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। अगर वो अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है वीजा अप्लाई करने तक तो आप उस लोन को नहीं शो कर सकते हो। बात करें हम अदर लोन्स की जिसमें पर्सनल लोन या फिर गोल्ड लोन भी आता है तो क्या ये शो कर सकते हैं? वेल, शो कर सकते हैं बट इट्स ऑलवेज हाईली रिकमेंडेड कि आपका जो लोन अगर शो करना चाहते हो तो वो एजुकेशन लोन ही हो। सो यही कुछ 5 FAQs थे जो जनरली पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। और ऐसे ही अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कॉमेंट सेक्शन में उन्हें मैंशन कर सकते हो और नेक्स्ट वीडियो में मैं आंसर करूंगा आपके नेक्स्ट 5 FAQs को। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।